अगर आपको पता चला एक रीडिंग है, कई लोगों ने कहा है कि इमरान खान चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शंस अगर हो जाएं तो उनको फायदा ज्यादा से ज्यादा है, इसमें मानते हैं आप? क्योंकि इमरान खान बार बार वो एनालॉजी दे रहे हैं, वो शेख मुजीब की अवामी लीग की वो याद दिलाते हैं, और उनका यह कहना है कि जो पब्लिक मैंडेट है वो उनके साथ में है लेकिन उनके साथ में इंसाफ हो नहीं रहा है, जो उनके हक का मैंडेट है वो उनको मिल नहीं रहा है, क्या आप मानते हैं ऐसा? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और जो भी लोग कह रहे हैं सही है कि अगर ये इलेक्शंस डिले ही इसलिए हो रहे हैं कि पंजाब एटलीस्ट नून लीग पीएमएलएन यानी के और नवाज शरीफ की पार्टी और जो पीपल्स पार्टी तो वैसे ही वहां से तकरीबन फारिग हो गई है, तो पंजाब से तो पीटीआई ने बहुत ही मैसिवली स्वीप करना है अभी भी इलेक्शन हो जाए तो, इसलिए ये डिले कर रहे हैं। केपी में भी यही हाल होना है कि वहां की जो पुरानी ट्रेडिशनल पार्टीज है उनका कोई हालात अच्छे नहीं है, ये इस बात में तो कोई नोबडी विल डिस्प्यूट, इवन जो ओपोनेंट्स हैं यानी कि जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं वो भी इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं करेंगे। अब रही बात शेख मुजीब वाली बात, उसमें मैंने फिर आपसे पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ कि अगर इंदिरा गांधी साहिबा के अपने इंटरनल क्राइसिस, वो जो बड़े बड़े गुरु बैठे थे उनसे क्राइसिस ना होती, अगर आप हिस्ट्री देखिए तो वो कभी भी इंडियन आर्मी अटैक नहीं करती, ईस्टर्न विंग में अगर इंडियन आर्मी एंटर नहीं होती तो ईस्टर्न विंग अलग नहीं होता, ये एक सच बात है। जैसे आज अगर इंडियन आर्मी एंटर हो जाए पीओके जिसको आप कहते हैं, जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं, लेकिन अगर उसको आजाद कराना है तो उसमें कोई चुटर पुटर से काम नहीं चलता, उसके लिए कोई लोकल्स की अगर तहरीक भी चल जाएगी तो आजाद नहीं होंगे, हाँ कोई फोर्सेस आती हैं और वो जाके लिबरेट करा लें तो फिर बात और है, वो तो ऐसा कोई सूरत हाल ऐसी है नहीं कि पंजाब में कोई इंडियन फोर्सेस आएंगी या कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगी और पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करवाना पड़ेगा वहां से, मतलब ईस्टर्न विंग में इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर हुआ था पाकिस्तान आर्मी का, और वो इसलिए कि जो अवामी लीग थी उसके सामने सरेंडर तो नहीं करते, तो अगर सिर्फ अवामी लीग तक रहता काम तो फिर तो मसला हल हो जाना था। अब वो दो तरफ से फंस गए थे, यहाँ पे भी ये इफ भी एक्सपेक्ट कीजिए इंडियन आर्मी अटैक कर देती है आज लाहौर में और वो जो रहीमयार खान सेक्टर है और यहाँ से सियालकोट, फिर सिनेरियो और हाँ फिर ये बाहर निकल आए सारे पीटीआई वाले विद द वेपन्स और फिर पाकिस्तान आर्मी को, मतलब जैसे अब हम उसी सिनेरियो को ही कंपेयर कर रहे हैं तो फिर कंपेयर एप्पल विद एप्पल करें ना सही तरह, मतलब वो ये इमरान खान का कहना है, मतलब हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम किसी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल दें। देखिए जब मैं बात इमरान खान ही साहब जो कह रहे हैं उसी सिनेरियो को ही पूरी तरह हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपके या मेरे कहने से नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूँ चलो जी मैं मोदी साहब को चैलेंज करता हूँ आओ अटैक करो, इसका मतलब तो नहीं है कि वो मेरे कहने पर अटैक कर देंगे, ये इज नॉट द पॉइंट, और मैं मना करता हूँ कि नहीं करो भाई नहीं करो मोदी साहब आप तो बुजुर्ग ना करें, और वो चाहते हैं तो वो कर देंगे, हम सिर्फ सिनेरियोस डिस्कस कर सकते हैं कि शेख मुजीब वाला सिनेरियो इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि अवामी लीग वाले हथियार लेके खड़े हैं और पीछे से कोई एक थर्ड फोर्स आर्मी रेगुलर आर्मी अटैक कर दे, तब हो सकता है, और ऐसा सिनेरियो कोई भी पंजाब में नहीं है, तो पीटीआई वालों की दूसरी बात कि अपनी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है ना अपनी उनकी पोजीशन है ना उन्होंने ऐसी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया कि वो सारे लोग आर्मी से लड़ जाएंगे, रिएक्शन था गुस्सा भी था लेकिन ये नहीं है कि वो औरतें बच्चे आदमी सब लोग अपने हथियार लेकर डायरेक्टली धड़धड़ शुरू हो जाएगी यानी कि फायरिंग वाला काम पे आ जाएंगे, वो भी नहीं हो रहा, तो पार्टी भी अपनी कोई इतनी पावरफुल नहीं है कि जी लोगों को आप मार रहे हो पकड़ पकड़ के पुलिस वाले मार रहे हैं जेलों में जा रहे हैं लेकिन वो टूटे ना, ऐसा भी नहीं है लोग टूट रहे हैं, तो इसलिए कंपेयरिंग विद शेख मुजीब साहब इज नॉट करेक्ट इज अनरियलिस्टिक क्योंकि वो सिनेरियो डिफरेंट है, इसलिए हाँ इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, जब भी इलेक्शंस होते हैं अक्टूबर में अगर होते हैं तो क्या सिनेरियो बनता है अक्टूबर तक मुझे नहीं पता कि पार्टी बिल्कुल ही फारिग हो जाए बिल्कुल ही खत्म हो जाए बात और है, लेकिन अभी जो सिनेरियो है इसमें अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो पीटीआई विल विन, इस पीटीआई की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। एक चीज मैं जरूर जोड़ दूं, एज वी थिंक सी थिंग्स, जो कि हमारे हिसाब से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, हिंदुस्तान ने 1971 में पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था, हमारे यहाँ रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स था इसलिए मजबूर हम हो गए थे इंटरवीन करने के लिए।